Hello everybody, today we will discuss about the units, measurements. So आज हम units और measurements के बारे में पढ़ेंगे. उसके बारे में ऐसा ऐसा ये बहुत fundamental chapter है जो कि 11th class में है और second unit में है. इसमें सबसे पहले आता है कि need of measurements. हमें एक measurement की ज़रूरत ही पड़ती है. देखिए, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसके बारे में हम कितनी हैं उसको फिज़िकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है. फिज़िकल क्वांटिटी जो फिज़िकली दिखाई देती, जो हमारे सेंसेस हैं, आईज, नोज, ईयर, जो भी हम सेंस हैं, सेवन सेंसेस हैं, उनसे किसी चीज़ को डिटेक्ट करें उसे फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है. उसको मेजरमेंट यानी कि उसको नापने को मेजरमेंट कहा जाता है. मेजरमेंट हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि कोई भी चीज़ अगर आप किसी को देनी है, किसी लेनी है, कितना सामान लिया दिया, इसलिए हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है. इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेकेंड थिंग है. यूनिट्स यानी कि किस यूनिट में हम मेजर करेंगे. और फिज़िकल क्वांटिटी को जो हम मेजर करते हैं वो मेजरमेंट जैसे आप देखेंगे एन यू से करते हैं. एन इज़ द नंबर ऑफ जो नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज द यूनिट वन. इसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. जो फिजिकल क्वांटिटी होती है न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट. तो अगर हम देखें एन वन यू वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएं से तो ये अगर जिले की जाएगी कैपिटी पहले तो हम इसकी वैल्यू प्रोपोर्शनैलिटी लेता है तो उसको स्केल अपॉन यू इज कमिंग यू जी. तो अब अगर आप इसे बताते हैं जैसे एन वन, एन और एन वन हम मिल गया. एन वन में आप बता रहा हूँ क्यों ये जो है वैल्यू आएगी वो एन यू आई दैट इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कॉन्स्टेंट. तो ये कॉन्स्टेंट के लिए हमने तो n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज द यूनिट. इसका हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो आएगा n1 u1 n2 u2. तो हम इस तरीके से यूज करते हैं. अब आप देखेंगे वर्ल्ड में बहुत सारे यूनिट्स हैं, हर एक की यूनिट को मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट है. टू मेजर ऑल द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट यूनिट्स आर रिक्वायर्ड एंड इन दिस वे मिलियंस ऑफ यूनिट्स बन जाएंगे. भाई इसमें तो मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है. तो हम क्या करते हैं, एक सारे साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड के एक साथ बैठे और उन्होंने बोला कि भाई एक ऐसा फंडामेंटल हम यूनिट बनाएं जो कि सारे वर्ल्ड में चले और सब उसे मेजरमेंट करें. कुछ लोगों ने बोला नहीं जी मतलब पाम ले लिया, पाम किसी का हाथ बड़ा है किसी छोटा है, किसी ने बोला नहीं आम से इतना ले लीजिए, तो वो भी डिपेंड करता है, वो भी वेरी करता है. तो इस तरीके से सारे साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने एक क्या बनाया, यूनिट्स बनाए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. मैं आपको बता रहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, यानी जब आप देखा कि मेजरमेंट कर रहे हैं और सो मेनी क्वांटिटीज आते हैं तो हर एक को मेजर करना बड़ा मुश्किल था. सब साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने बोला कि भाई एक फंडामेंटल यूनिट्स लेते हैं जो कि एक यूनिट दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं होगी और बाकी जो है उस यूनिट से डिराइव करेंगे. Those units which cannot be derived from any other unit, they are called fundamental units. और derived units वो होती हैं जो fundamental से ही derived होते हैं, जैसे speed हो गया. इसमें fundamental unit जो है 7 है. जैसे आप देखेंगे length, length जो है इसका first है. length यानी measurement आप करेंगे length, और इसकी unit जो है वो meter है. और इसी तरीके mass, मास सेकंड है. मास तो हम नापते हैं वो उसमें. देन द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज द टाइम जिसमें हम मेजर करते हैं. फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, और फिफ्थ जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. सिक्स इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवन्थ इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी. अगर आप देखें ये फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो जिनको हम आपस में एक दूसरे से ये डिराइव नहीं सकते, यानी निकल नहीं सकती. लेंथ अगर आप मेजर करें, सपोज आई एम मेजर द एरिया, एरिया मेजरमेंट करिए कैसे करेंगे, सपोज ये एरिया है तो लेंथ कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल टू एरिया. तो ये डिराइव यूनिट होगी, डिराइव यूनिट यानी एरिया होगा, ये वॉल्यूम होगा.
मास यानी कितना मास उसमें है क्वांटिटी में, उसे बोलते हैं टाइम यानी कि टाइम मेजरमेंट किस तरह से करेंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया। एक वायर या वायर से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उससे, तो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी टेम्परेचर मेजर करना, भाई आपको हाथ को आपने टेम्परेचर मेजरमेंट बताया तो उसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहा जाता है। अगर हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, छोटे क्वांटिटी को, यानी गैस है या फिर मॉलिक्यूल्स हैं या गैस में मॉलिक्यूल एटम इन सभी, तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज़ करते हैं, उसको मोल कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। और लास्ट है ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी यानी लाइट कितनी आ रही है, लाइट कितनी आ रही है उसे मेजरमेंट जो करते हैं उसे लाइट इंटेंसिटी कहा जाता है। ये फंडामेंटल यूनिट जो हैं ये भी हमारी तीन तरीके हैं, जो कि CGS यूनिट, इसमें अगर आप देखें CGS यूनिट है, MKS है और SI है। इसे अगर आप देखें SI यूनिट जो है वो MKS सिस्टम है, M और MKS स्लैश यूनिट है MKS, और छोटे यूनिट है CGS यूनिट, यानी कि वहाँ ये सालिन क्वांटिटी बड़ी बड़ी चीज़ों में नापते हैं, बड़ी में तो हम बड़ी क्वांटिटी में आते हैं तो उसे CGS या MKS सिस्टम में बोलते हैं, और अगर छोटी यूनिट में अगर नापना है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को तो हम CGS में मेजर करते हैं, इसका ये होता है। और इसके अलावा एक और हमारा फंडामेंटल सिस्टम यूज़ करते हैं, इसमें सिस्टम यूज़ करें CGS, ये CGS सिस्टम यूनिट है, यानी जब आप क्वांटिटी को छोटा मेजर करें, और ये है ये सिस्टम है इसका, जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, जिसका है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS मास यानी कि kg मीटर kg सेकेंड MKS सिस्टम, तो इसमें हम मेजरमेंट करते हैं। इस तरह से हम मेजरमेंट करके इनको हम यूज़ किया जाता है और हम क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। फंडामेंटल यूनिट के अलावा दो यूनिट और हैं जो कि क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहा जाता है, यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी ये सपोर्ट करते हैं। वन इज द सॉलिड एंगल, प्लेनर एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल है यानी प्लेन में कैसे एंगल बनाते हैं, जैसे आप देखा होगा ये एंगल बना दिया, जिससे प्लेन एंगल किसी भी प्लेन में एक्स वाई जेड प्लेन में बना दिया। और सॉलिड एंगल की बात आती है यानी सॉलिड में आप कैसे मेजरमेंट करते हैं, सपोज मैं ऐसे बना रहा हूँ तो ये जो एरिया बन रहा था, सपोज दिस इज लाइक अ कोन बना रहा था, तो ये कोन का जो एंगल बन रहा था दिस इज द सॉलिड एंगल, इसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। एंगल इज मेकिंग विद एक्सिस से बनाएगा उसे सॉलिड एंगल कहा जाता है। ये क्वांटिटीज हम मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये यूनिट्स होते हैं, दोनों हैं यूनिट्स हैं आपकी, यूज़ किए जाती हैं फंडामेंटल या बेसिक यूनिट को, क्योंकि मैंने आप बेसिकली आपकी 7 यूनिट्स लिखी थी, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी मेजर किया था। इनकी हेल्प करने के लिए सप्लीमेंट्री यूनिट चूज किया है, सॉलिड एंगल और प्लेनर एंगल। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। ये क्लिप्स मैं ज़्यादातर उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जिनका वीक फिजिक्स बेस हो गया है, और ये इस वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने सही से नहीं पढ़ाया या सही से उनके टीचरों ने नहीं उन्हें पढ़ाया। अगर वो कंटिन्यूसली क्लिप देखते रहेंगे तो उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स रहेगा और अच्छे मार्क्स प्राप्त
प्राप्त करेंगे और अच्छी ही जॉब वर्ल्ड में पाएंगे। आज के लिए इतना ही, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि उन्हें मेरे आराम से वीडियो मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।